साथियों, दो खबरें हैं और दोनों मुसलमानों के लिए ज़रूरी खबरें हैं। एक खबर आ रही है कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि हमने पिछले कई दिनों में देखा है, हिमाचल में हिंदुत्व की राजनीति अपने चरम पर है और वहाँ पे सरकार है ये जवानी है कुर्बान वालों के मुखिया यानी मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी के कांग्रेस की सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू। मैं तो उन्हें जब भी देखता हूँ, ये मेरे अपने व्यू है, मेरे को संविधान ने अपने विचार रखने की पूरी आबादी दी है, मुझे वो एक नंबर के संगी लगते हैं। वो किसी भी तरीके से मुझे आइडियोलॉजी से, विचार से कांग्रेसी नहीं लगते हैं। यही कारण है कि पिछले साल भी और इन दिनों भी हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्ववादी गुंडे जो है वो अपनी हिंदुत्ववादी शरारतों से कहिए या हिंदुत्ववादी हत्या और हिंसा से कहिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जो प्रशासन है, जो कि कांग्रेस की वहाँ पे सत्ता है, उनके हाथ में वहाँ की पुलिस है, वो एक प्रकार से मुसलमानों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए मूक दर्शक या कहिए गूंगी बन के बैठी हुई है। अब एक जावेद नामी एक शख्स है, उसने जो किया मैं उसकी भत्सरना करता हूँ, उसने जो किया मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, उसने जो किया मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। उसने अपने घर में एक ऐसे जानवर की शायद कुर्बानी दी है जो फोटो में क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके ऊपर देश भर में बंदी है, और उस कुर्बानी का वीडियो, उसने जो उसको काटने का वीडियो और साफ सफाई का वीडियो रहता है या फोटो रहती है, वो अपने फ़ोन के स्टेटस में इतके दिन लगाया। इस प्रकार की मुसलमानों द्वारा की जा रही हरकतों को मुसलमानों ने रोकना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, संवैधानिक बनना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, दूसरे धर्मों के जो आस्था है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी भी करना चाहते हो, उनके धर्म पर कुछ बोलना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप पहले उनके धर्म ग्रंथ पढ़े और उस धर्म ग्रंथ के रेफरेंस से उनके ऊपर बोले। जैसा कि मैं हमेशा उनके ऊपर टीका टिप्पणी करता हूँ, वो लोग सिर्फ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा सकते हैं, उन्होंने मेरा यूट्यूब जो अकाउंट है उसको ब्लॉक करवा दिया है, वो यही कर सकते हैं। मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के पहले उन्हें उस किताब लिखने वालों को और उस किताब छापने वालों पर कानूनी कार्रवाई करी होगी जिसके रेफरेंस से मैं बोलता हूँ। तो आप कोई ऐसी हरकत मत करो कि बहुसंख्यक समाज जो इस समय अपने धार्मिक मुद्दों को लेकर, चाहे वो सही पर हो चाहे वो गलत हो, वो अपने चरम पर है और इस चरम पे लाने का श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जैसे निकम्मे प्रधानमंत्री को। इस चरम पर ले जाने का श्रेय जाता है नागपुर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। इस चरम पर ले जाने का श्रेय जाता है तमाम भगवावादी हिंदुत्ववादी संगठनों पर और उन हिंदुत्ववादी नेताओं पर जो खुलेआम मुस्लिम विरोध में भाजपा के राज्य में जाते हैं, खुलेआम उन मुसलमानों को मारने की, काटने की, उनके नरसंहार करने की, उनके बच्चियों से बलात्कार करने की बातें करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर हमने इन पे कार्रवाई की तो हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा। ये अब कानून के रक्षक, ना सरकार बनी हुई है ना पुलिस बनी हुई है कि कानून की रक्षक ना बने कर ये कानून की भक्षक बनी हुई है। अब हम आते हैं जावेद की बात पर। जावेद ने जो किया मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं यहाँ वो फ़ोटो भी नहीं लगाना चाहता हूँ। उसने ऐसा जानवर काट के जिसको सारे देश में, ज़्यादातर राज्यों में बंदी है, कुछ ही राज्यों में वो जायज़ है, उसको काट के अपने फ़ोन के स्टेटस पे लगाया, तो हिंदुत्ववादी भीड़ जो है गई उसकी दुकानों को तोड़ फोड़ कर दिया और गिरफ्तारी बाद में जावेद की छू। तो इसमें अब आप खुद सोचिए गलती किसकी थी।
दूसरी घटना उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की है। वहाँ पे जो एक शख्स था औरंगज़ेब उर्फ उसका औरंगज़ेब पेट नेम है, उसको चोरी के शक में मार मार के मार दिया गया। और जब मारने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके नाम भी सारे आ गए हैं, सारे ब्राह्मण और सवर्ण हैं, तो उनको बचाने के लिए वहाँ की विधायक वहाँ के मेयर सड़कों पर उतर गए, उन्होंने मार्केट बंद करा दिया, पुलिस को धमकी दी जा रही है उन्हें आप छोड़िए, जनता के आक्रोश में सामने मत जाइए। मतलब ये एक ज़ॉम्बी बन गए, ये एक वो बैक्टीरिया बन गए, खून खाने वाला या मांस खाने वाले जो बैक्टीरिया या मैगेट होते हैं ना, ये वो मैगेट बन गए हैं जो मरे हुए मुर्दों को खा जाता है। ये वैसी मुसलमानों के लिए एक मैगेट बन गए हैं, ये मुसलमानों की लिंचिंग तो कर देते हैं, ये मुसलमान की बच्ची का बलात्कार तो कर देते हैं, जैसे हमने जम्मू के कठुआ में देखा था। और उन बलात्कारियों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उन बलात्कारियों को बचाने के लिए ये लोग रैलियाँ निकालते हैं तिरंगा झंडा लेके। ये क्यों अपना भगवा झंडा लेके रैलियाँ नहीं निकालते बलात्कारियों को बचाने के लिए? ये क्यों अपने भगवान की फ़ोटो लिए झंडे पर क्यों रैलियाँ नहीं निकालते बलात्कारियों को बचाने के लिए? इसी तरह इस अलीगढ़ के मुस्लिम की जो लिंचिंग की गई उनके हत्यारों को बचाने के लिए झुंड के झुंड में लोग बाहर निकले कि हत्यारों को छोड़ा जाए। और पुलिस को एक प्रकार से धमकी दी गई कि आप जनता के आक्रोश के सामने मत जाइए। मतलब इनके हौसले कितने बुलंद है, ये पुलिस से नहीं डर रहे, ये कानून से नहीं डर रहे, ये इसीलिए नहीं डर रहे कि ये जानते हैं पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंदर में आती है और उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय भाजपा के हाथ में है, और उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस और सारा प्रशासन एक प्रकार से बहुसंख्यक समाज मतलब हिंदू समाज के बायस है, उन्हीं की तरफ झुककर कार्रवाई करता है और मुसलमानों को टारगेट करता है, इसीलिए इनकी ये इस प्रकार से हरकतें बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए आपको अपनी केवल राजनीतिक हिस्सेदारी लेना होगा। अभी राजनीति का मैं एक छोटा सा ही वीडियो बनाता हूँ, उसको ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे किसी भी प्रकार का दान नहीं मांगते हैं, हम आपसे डोनेशन नहीं मांगते हैं, बस हम आपसे इतना ही सहयोग चाहते हैं कि आप इसको शेयर करके सब्सक्राइब करके लाइक करके हमारी मदद करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। जय भीम, जय संविधान।